retiring partner is entitled to get the following, like share in goodwill, share in reserves, share in revaluation of assets and liabilities, share in accumulated profit and losses. Accounting problems, which be calculation of NPSR, gaining ratio of the continuing partner, treatment of goodwill, accounting treatment for revaluation of assets and liabilities, accounting treatment of reserves, accumulated profit and losses, payment of retiring partner, adjustment of capital in proportion to profit sharing ratio, and calculation of NPSR. How we will calculate the NPSR, new profit sharing ratio, after the retirement of a partner. In this talk, I have explained many type of cases, numerical question. I hope you will be understand. These are the questions which I have explained in the previous video. So today I will start a new topic like calculation of gaining ratio. So children, today I will explain gaining ratio with numerical question. So let's start the concept. Calculation of gaining ratio. It is calculated when a partner retires or dies. His share of profit is taken over by the remaining partners. The remaining partner's share increase is called the gaining ratio. In previous video, I have explained the meaning of retiring partner, NPSR. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब कोई पार्टनर फर्म में रिटायर होगा तो उसको रिटायरमेंट के टाइम पर क्या चीज़ें मिलेंगी, फर्म उसको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शेयर करेगा, इसके बाद एक रिटायरिंग पार्टनर किस प्रोसीजर को यूज़ करेगा और वो फर्म से रिटायर हो सकता है, ये सब मैंने आपको बताया. इसके बाद हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को किया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जहाँ पर हमने देखा था कि जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है तो वो क्या करेगा, उसके जाने पर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके शेयर चेंज हो जाएंगे. अगर फर्म किसी रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो रिमेनिंग पार्टनर्स का एक नया रेशियो वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा जो एनपीएसआर कहलाता है. अब यहाँ पर अगर फर्म उस एनपीएसआर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है तो वहाँ पर जो पुराने शेयर पार्टनर्स होते हैं उनका रेशियो भी ओल्ड ही रहता है और उनके रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होते. तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम पर, लास्ट वीडियो में एनपीएसआर के कुछ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाए थे कि किस तरह से किसी नए पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पर उसके रेशियो को फर्म दूसरे जो रिमेनिंग है पार्टनर उनमें डिस्ट्रीब्यूट करती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी करती है. क्यों? क्योंकि वो ऐसा भी कर सकती है कि फिर से एक नई पार्टनरशिप फर्म का जो एग्रीमेंट बनाएगी वहाँ पे एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, एक को वो एडमिट कर देगी और एक नए एग्रीमेंट के लिए वहाँ पर अप्लाई करेगी, और एक नए एग्रीमेंट के लिए जब फर्म में नए किसी पार्टनर को एडमिट करेगी तो वहाँ पर एडमिशन का कंसेप्ट आ जाएगा. जब एडमिशन का कंसेप्ट अगर अप्लाई होगा तो वो जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर था वो किसको शेयर कर दिया जाएगा, उस एडमिट किए हुए पार्टनर को. इसलिए, और जब वो एक नया एग्रीमेंट वहाँ पर अप्लाई होगा तो वो हमारा क्या कंसेप्ट है, वो है हमारा कंसेप्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. तो इस तरह से कभी कभी फर्म जो है अपने रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, और अगर उसके पास ऑप्शन है या वो चाह रही है कि मैं उसके बजाय, उसके अलावा या उसकी जगह किसी नए पार्टनर को एडमिट करूँ और उसको शेयर कंट्रीब्यूट करूँ, तो वो ऐसा भी कर सकती है. तो इसी तरह से आज हम अपने नए कंसेप्ट के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करेंगे. जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है गेनिंग रेशो. गेनिंग रेशो का मतलब है, गेन का मतलब है फायदा. अब इसका मतलब अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके रिटायरमेंट के टाइम पर हमें उससे कुछ फायदा होने वाला है जो आपको शेयर में डिस्ट्रीब्यूट होगा. इट इज कैलकुलेटेड व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाई. ये कब होगा, जब कोई पार्टनर की अचानक से या तो डेथ हो जाएगी या फिर वो रिटायरमेंट ले रहा होगा तो उसके शेयर को बचे हुए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसे हम गेनिंग रेशो कहते हैं. ऑफ प्रॉफिट इज टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर. द रिमेनिंग पार्टनर शेयर इंक्रीज इज कॉल्ड द गेनिंग रेशो. अब वहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर किसी पार्टनर का ओल्ड रेशो 2 था और जो न्यू रेशो है वो 3 हो गया, तो इसका मतलब उसको क्या हुआ, गेन. दैट इज कॉल्ड द गेनिंग रेशो. कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो. इट इज कैलकुलेटेड बाय 2 मेथड. If the profit sharing ratio, new profit sharing ratio of the remaining partner are not given in the question. हमने यही लाइन अपने जो लास्ट टॉपिक था NPSR वहाँ पर भी पढ़ा था कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें फॉर्म नहीं बता रही है कि रिटायर पार्टनर के रेशो को फॉर्म किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो वहाँ पर हम ओल्ड रेशो में उस रेशो को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और अप्लाइड कर देते हैं. तो
इसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर फर्म में पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसका जो रेशो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमें उसके बारे में नहीं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, तो हम उसमें क्या करेंगे, अब हम वहाँ पर जो ओल्ड रेशो है उसी को अप्लाई करेंगे। पार्टनर आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इट विल अज्यूम दैट द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट इन ओल्ड रेशो। तो वहाँ पर जो फर्म के पार्टनर हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, वो जाते हुए पार्टनर का जो शेयर है वो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आपस में शेयर करेंगे। गेन टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर इज इन द ओल्ड रेशो, और जो भी उनको गेन होगा वो उनके ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग ही होगा। एग्जाम्पल ए बी सी शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3:2। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि अगर ए बी सी तीन पार्टनर है, तीनों का रेशो 5:3:2 है। इफ बी रिटायर, अब वहाँ पर बी रिटायरमेंट ले रहा है, हिज शेयर विल बी टेकन बाय ए एंड सी। अब उसका जो शेयर है वो कौन टेक ओवर कर रहा है, ए एंड सी इन द रेशो ऑफ 5:2। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रेशो अप्लाई हुआ है वो ओल्ड रेशो है। जैसे मैं आपको वर्किंग नोट बनाती हूँ। सो चिल्ड्रन देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन है ए बी सी पार्टनर्स रेशो 5:3:2। ए बी सी दीज आर द पार्टनर्स ए बी सी। अब यहाँ पर रेशो दिया है 5:3:2, टोटल रेशो हो गया 10। बी रिटायर, अब यहाँ पर बी जो है हम इस तरह से वर्किंग नोट बनाएंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाता है। बी रिटायरमेंट हो रहा है, हिज शेयर विल बी टेकन बाय ए एंड सी। अब इसका जो शेयर है वो टेक ओवर कर रहा है ए एंड सी, किस रेशो में कर रहा है 5:2। तो उसने कहा 5:2, तो इसका मतलब NPSR, इनका NPSR क्या बन गया, इनका NPSR बन चुका है 5:2। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फर्स्ट कंडीशन थी, अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि जो शेयर है उसको पुराने जो पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वहाँ पर उनका ओल्ड रेशो ही अप्लाई होगा। जैसा कि अगर आप लोग देख रहे हैं कि ए बी सी तीन पार्टनर थे, 5:3:2 दोनों का तीनों का रेशो था। अब यहाँ पर बी जो है वो रिटायर्ड हो रहा है, बी का रेशो है 3। तो यहाँ पर देखो, इसका जो रेशो है वो किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, इसका मतलब ये जो रेशो है वो किसी के पास नहीं जा रहा है, और इनका फ्यूचर रेशो जो है वो सेम ही है, 5:2 पहले भी ए और सी का रेशो था और नया भी जो रेशो है वो 5:2 ही है। इसका मतलब जो 3 रेशो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द NPSR ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्म की तरफ से दिया गया है रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम द न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इसका मतलब है कि अगर आपको गेन हो रहा है तो आप अगर अपने नए रेशियो में से पुराने रेशियो को माइनस करोगे तो इसका मतलब आपका गेन निकल जाएगा। सपोज न्यू रेशियो, अगर किसी फर्म में ए बी सी यहाँ पर तीन पार्टनर है और तीनों का रेशो 5:3:2 है। अब यहाँ पर सपोज सी जो है वो रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पर सी का जो रेशो है वो कह रही है फर्म कि 1:A के पास चला जाएगा और 1:B के पास चला है। तो इस तरह से इनका गेनिंग रेशो जो बन चुका है, अब यहाँ पर ए का रेशो हो गया टोटल 6 और बी का रेशो टोटल हो गया हमारे पास 4। तो इस तरह से टोटल रेशो हुआ। अब यहाँ पर अब कह रहा है कि गेनिंग रेशो को अगर आपको निकालना है तो ओल्ड माइनस न्यू आपको ये करना पड़ेगा, सॉरी न्यू माइनस ओल्ड करना पड़ेगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो इसका मतलब जो न्यू रेशो वो आपका 6 है, ओल्ड अगर ए की बात करें तो ए का जो न्यू रेशो वो 6 है, ओल्ड रेशो उसका 5 था, तो 1 हमारा गेन हुआ, उसको ये पता चल जाएगा। सो चिल्ड्रन नाउ द क्वेश्चन इज, अमित दिनेश एंड गगन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2। दिनेश रिटायर, अमित एंड गगन डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इन द रेशो 3:2। कैलकुलेट गेनिंग रेशो, इस क्वेश्चन को जितने भी क्वेश्चन ये हैं मैं इनको सॉल्व करके आप लोगों को समझा रही हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज, अमित गगन सॉरी दिनेश और गगन पार्टनर्स रेशो 5:3:2। क्वेश्चन है, पार्टनर्स है हमारे पास फर्म में 3, अमित दिनेश और गगन, रेशो 5:3:2, टोटल रेशो इज 10। अब यहाँ पर दिनेश जो है
वो रिटायर हो रहा है, तो जब भी हम ऐसे वर्किंग नोट बनाएंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। हमने यहीं पे लिख दिया कि दिनेश जो है वो रिटायर हो रहा है। अब यहाँ पर फॉर्म कह रहे कि दिनेश रिटायर, अमित एंड गगन डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द न्यू फॉर्म इन द रेशियो 3:2। अब यहाँ पर जो न्यू रेशियो है वो बन जाएगा अमित और गगन का 3:2। तो अब हम यहाँ पर जो अमित है उसका गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशियो, अमित गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू 3/5, 3 और प्लस गेन, इनका न्यू रेशियो दिया हुआ है 3/5 माइनस 5/10, 5/10। अब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे तो 6-5/10 इक्वल्स टू 1/10। अब मैं इसको और इजी अगर आप लोगों को बताऊं, जिनको बच्चों को अगर एलसीएम नहीं आता है तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज 3/5-5/10, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 30, 5 5 25/50। अब इस रेशो में से ये ज़्यादा है ये कम है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 5/50। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 1 5 5 10 50 इक्वल्स टू 1/10। तो देखिए यहाँ पर भी सेम आंसर है और यहाँ पर भी सेम है, तो इस तरह से हम इसको और इजी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि गगन का जो गेनिंग रेशियो है वो क्या है। गगन का गेनिंग रेशियो, गगन का ओल्ड रेशियो था 5/10 और जो न्यू रेशियो है वो है 2/10। तो माइनस का साइन इसलिए रहेगा क्योंकि वो अपना शेयर उसको दे रहा है। 10 2 5 2/10 10 2 5 2 10 -10/50। अब यहाँ पर हमारे पास हुआ 10/50, 10 1 10 10 5 50। तो फिर से हमारे पास कितना आया यहाँ पर 1/5, या फिर हम इसको 2/5 -2/10 इक्वल्स टू 10 2 5 2 10 5 10 50। अब यहाँ पर 10/50, सॉरी ये गलत हो गया, तो 2 5 5 2 50 और सॉरी 5 2 10 और 5 10 50। तो यहाँ पर हमारा आएगा रेशो 2/10। तो इस तरह से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये गेनिंग रेशो निकला। अमित दिनेश गगन पार्टनर थे, तीनों का रेशो 5:3:2 था, दिनेश को रिटायर हुआ और अमित गगन ने डिसाइड किया कि हमारा जो नया फॉर्म में रेशो होगा वो 3:2 का होगा। कैलकुलेट गेनिंग रेशो, तो हमें जो गेनिंग रेशो है वो कैलकुलेट करना है। अमित गेनिंग रेशो 3/5 यहाँ पर देखिए 3/5 का मतलब है 3 और टोटल 5 ये इसका न्यू रेशो है माइनस ओल्ड रेशो। गेनिंग रेशो निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू रेशो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो यहाँ पर 3/5 इसका न्यू रेशो है, 5/5 अमित के बारे में बात हो रही है तो अमित का रेशो है 5, टोटल इज 10, तो 5/10। तो इस तरह से 1/10 हमारे पास गेन आया अमित का और 2/10 का गेन हुआ गगन को। द गेनिंग रेशो ऑफ अमित एंड गगन इज इक्वल्स टू 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मधु नेहा एंड टीना पार्टनर्स रेशो ऑफ 5:3:2, कैलकुलेट NPSR एंड गेनिंग रेशो इफ। अब यहाँ पर हमारे पास जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो गेनिंग रेशो का भी हो सकता है और यहाँ पर एक साथ क्वेश्चन भी हो सकता है और गेनिंग रेशो और NPSR दोनों रेशो भी हमें कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बता दिया जा रहा है कि मधु नेहा और टीना तीन पार्टनर है, तीनों का रेशो 5:3:2 है, कैलकुलेट करना है NPSR और GR। अगर यहाँ पर मधु रिटायर होती है तो रेशो क्या होगा, नेहा रिटायरमेंट पर रेशो क्या होगा और टीना के रिटायरमेंट पर रेशो क्या होगा। सो स्टार्ट गिवन ओल्ड रेशो मधु नेहा और टीना। यहाँ पर हमारे पास ओल्ड रेशो दिया हुआ है लेकिन नए रेशो के बारे में कोई बात नहीं की है तो हमें उनका नया रेशो निकालना है। नेहा टीना और का रेशो जो है वो है 5:3:2। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं बताया है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, मधु फर्स्ट केस में अगर हम देखें कि मधु रिटायर हो रही है, मधु का रेशो है 5, तो फॉर्म ने ये नहीं कहा कि मधु के रिटायरमेंट के बाद मधु का जो रेशो है वो नेहा और टीना को मिलेगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर इनके रेशो को बांटना भी नहीं है। जब फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है तो हम भी उनके रेशो को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम सिंपल जो उनका रेशो है उसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग इफ मधु रिटायर NPSR बिटवीन नेहा एंड टीना विल बी एंड GR ऑफ नेहा एंड टीना 3:2। अब यहाँ पर फर्स्ट केस का मैंने वर्किंग नोट बनाया, पार्टनर है मधु नेहा और टीना, तीनों का रेशो है 5:3:2। अब अगर मधु रिटायर होती है तो नेहा और टीना का नया रेशो होगा 3:2। सेकंड केस है कि अगर नेहा रिटायर होती है तो पार्टनर तीन है मधु नेहा और टीना,
अगर नेहा रिटायर होती है तो यहाँ पर मधु का और टीना का जो विनिंग रेशियो है वो 5-2 सेम रेशियो यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर थर्ड केस है कि अगर मधु, नेहा और टीना तीन पार्टनर है, टीना रिटायर होती है और तो मधु का और नेहा का जो शेयर है वो कंटिन्यू हो जाएगा 5:3। तो इसका मतलब उनका जो ओल्ड रेशियो था वही उनका NPSR बन जाएगा, उनके रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि उनको कोई भी गेन यहाँ पर नहीं हुआ है, यहाँ पर उनके रेशियो को ही बांट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलका, हरप्रीत एंड श्रेया आर पार्टनर, रेशियो ऑफ 3:1, अलका रिटायर एंड हर शेयर इज टेकन अप बाय हरप्रीत एंड श्रेया इन द रेशियो ऑफ 3:2, कैलकुलेट NPSR। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल चेंज है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अलका, हरप्रीत और श्रेया तीन पार्टनर है, तीनों का रेशियो 3:1 है, अलका रिटायर हो रही है और उसके रिटायरमेंट के बाद जो उसका रेशियो है वो हरप्रीत और श्रेया को मिल जाएगा 3:2 के रेशियो में, तो कैलकुलेट करना है NPSR। गेनिंग रेशियो ऑफ हरप्रीत एंड श्रेया, अब यहाँ पर जो गेन हो रहा है हरप्रीत को और श्रेया को वो है 3:2 का रेशियो है। ओल्ड रेशियो ऑफ अलका, हरप्रीत एंड श्रेया, क्या रेशियो है ओल्ड तीनों का, यहाँ पर 3:1। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए ओल्ड रेशियो तीनों का है 3:1, तो सेम आ गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 3/6 कोमा 2/6 और 1/6। अब यहाँ पर शेयर एक्वायर्ड बाय हरप्रीत, जब यहाँ पर कहा था कि अलका के रिटायरमेंट पर जो अलका का शेयर है वो किसको मिलेगा, उसको ये मिलेगा हरप्रीत को, तो शेयर एक्वायर्ड बाय हरप्रीत, हरप्रीत कितना एक्वायर कर रहा है अलका के शेयर में, 3/5, ये इसका न्यू रेशियो है, हरप्रीत को उसने कहा 3 मिलेगा, श्रेया को 2 मिलेगा, तो क्या हुआ 3/5, ये इसका न्यू रेशियो है, ऑफ 3/6 ये इसका ओल्ड रेशियो। अब यहाँ पर हम इंटू कर देंगे क्योंकि उसको बढ़ रहा है, उसको गेन हो रहा है, तो यहाँ पर इंटू 3, 3 जा 9, 5, 6 जा 30, शेयर एक्वायर्ड बाय श्रेया, अब श्रेया कितना ले रही है 2/5 उसका न्यू रेशियो है, ऑफ 3/6 उसका नया रेशियो है, किसका रेशियो है 3/6, ये रेशियो है हमारी अलका का 3/6, 6/30। न्यू रेशियो, न्यू शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर शेयर, न्यू शेयर का मतलब कि यहाँ पर ये तब लगेगा जब यहाँ पर जो ओल्ड शेयर है और जो नया जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको कुछ गेन हो रहा है तब हम इसको यूज करेंगे, तो उससे हमें उनका जो टोटल रेशियो है वो पता चल जाएगा कि यहाँ पर ओल्ड शेयर उनका क्या था और एक्वायर्ड उन्होंने और कितना एक्वायर किया। तो हरप्रीत का न्यू शेयर निकल करके आया है 2/6, हरप्रीत का जो पुराना रेशियो था वो था 2/6 और उसको नया रेशियो जो मिल रहा है 9/30 = 19/30, ये टोटल शेयर हरप्रीत का नया बन चुका है। श्रेया न्यू शेयर 1/6, श्रेया का ओल्ड शेयर था क्योंकि श्रेया का कितना है 1/6 और नया उसको बना है 6/30 = 11/30, तो यहाँ पर NPSR ऑफ हरप्रीत एंड श्रेया 19:11। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी एंड सी पार्टनर, प्रॉफिट इन द रेशियो 2/6, 1/2, 1/6, ए रिटायर एंड सरेंडर, सरेंडर मतलब अपना जो ए रिटायरमेंट पर अपना जो रेशियो है वो छोड़ रहा है, 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ए बी सी तीन पार्टनर है, तीनों का रेशियो हमें गिवन है 2/6, 1/2, 1/6, ए रिटायर हो रहा है और अपना जो रेशियो है वो सरेंडर कर रहा है, किसको, बी को और सी को, तो उसने बता दिया कि 2/3 तो किसके फेवर में रहेगा, बी के, और उसके बाद जो भी शेयर रिमेन होगा वो किसको मिलेगा, सी को। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ए शेयर विल बी डिवाइडेड इनटू बिटवीन बी एंड सी, तो इसका मतलब जो ए का शेयर है वो किसको मिल रहा है, ए और सॉरी बी और सी को, इन द रेशियो ऑफ 2/3 = 1/3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2/3 तो उसने बताया है, टोटल रेशियो उसका जब हम नीचे लिखते हैं तो टोटल रेशियो है, तो इसका मतलब 3 में से जब 2 इसके पास चला गया तो कितना बचा 1, तो 1/3 किसका हो गया, सी का रेशियो, गेनिंग बी विल बी गेन, बी को कितना गेन होगा 2/3, क्योंकि बी को तो उसने खुद ही बता दिया कि बी को कितना मिलेगा 2/3 ऑफ 2/6, किसका 2/6 का, क्योंकि ये जो रेशियो है ये किसका है, ये ए का है, तो यहाँ पर ए के रेशियो का 2/6 जो रेशियो है 2/3, यहाँ पर ए का नया रेशियो बन रहा है, गेन हो रहा है उसको किस में से 2/6 में, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2/9, बी शेयर न्यू 1/2 + 2/9 = 9 + 4 अपॉन
18, 13/18. C will be gain 1/3 of 2/6 is equals to 1/9. C new share 1/6, 1/9, 3 plus 2, 5/18. तो यहाँ पर इस तरह से इन सब क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो ये आपसे इजीली हो जाएंगे, बस एक बार पढ़ोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो कोई नहीं, मैं एक बार आप लोगों को क्वेश्चन फिर से समझाती हूँ। अलका, हरप्रीत एंड श्रेया, मेरे ख्याल से पीछे के क्वेश्चन मैंने समझा दिए तो क्लियर हो चुके होंगे, इनको भी ट्राई करते हैं। अलका, हरप्रीत एंड श्रेया, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, पार्टनर्स दिए हैं हमें अलका, हरप्रीत एंड श्रेया, रेशियो 3:1, टोटल रेशियो हो गया 6। अलका रिटायर हो रही है तो यहाँ पर हम ऐसे सबसे पहले उसको क्रॉस सर्कल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे रिटायर, तो इससे हमें क्वेश्चन में याद रहेगा कि तीन पार्टनर हैं, अलका रिटायर हो रही है और ये इनका कौन सा रेशियो है, ये इनका ओल्ड रेशियो है। अब यहाँ पर अलका रिटायर एंड हर शेयर इज टेकन अप बाय, अब इसका जो शेयर है वो कौन ले रहा है, हरप्रीत और श्रेया, किस रेशियो में ले रहे हैं, 3:2 के रेशियो में। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, NPSR को हमें कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ओल्ड जो रेशियो है अलका का, हरप्रीत का और श्रेया का कितना है, 3/6, क्योंकि 3:2:1 टोटल 6, 3/6, 2/6 और 1/6, ये इनका ओल्ड रेशियो है, ये इनका ओल्ड रेशियो है। अब यहाँ पर जो श्रेया है, श्रेया को उसने कहा है कि श्रेया को हरप्रीत कितना लेगा, 3 और श्रेया लेगी 2, किसके रेशो का, हरप्रीत का। तो यहाँ पर अलका का जो रेशो है 3:2 के रेशो इनको गेन होगा, शेयर एक्वायर्ड बाय हरप्रीत। अब यहाँ पर जो शेयर एक्वायर कर रहा है हरप्रीत एक्वायर कर रहा है कितना, 3/5, 3:2 = 5, ये इनका न्यू रेशो है। 3/5 ले रहा है किसका, 3/6 का, हमने क्रॉस इनटू कर दिया, कितना हो गया 30। अब यहाँ पर इसी तरह से शेयर एक्वायर किया श्रेया ने, श्रेया का कितना रेशियो है, 2/5 किसका, 3/6 का, तो ये हुआ 6/30। अब यहाँ पर उसने कहा न्यू शेयर निकालने के लिए हमें करना है ओल्ड प्लस एक्वायर, ओल्ड जो उनका पहले से था और एक्वायर जो उनको अभी मिला है। तो हरप्रीत का जो ओल्ड था वो 2/6 था, कहाँ है 2/6, ये है हरप्रीत 2/6, श्रेया का है 1/6, 2/6। अब हरप्रीत का नया कितना मिला है, 9/30, तो यहाँ पर ये हुआ 19/30। इसके बाद श्रेया का है 1/6, ये श्रेया का ओल्ड रेशो है, और नया है 6/30 + 6/30 = 11/30। तो इस तरह से जो नया रेशो बना है हरप्रीत का और श्रेया का वो है 19:30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी पार्टनर प्रॉफिट इन द रेशियो, पार्टनर्स ए बी सी रेशियो 2/6, 1/2, 1/6, ये इनका ओल्ड रेशियो है। अब यहाँ पर ए रिटायर हो रहा है, ए को हमने रिटायर कर दिया एंड सरेंडर, ये दे रहा है 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी, तो ये दे रहा है बी को 2/3 का शेयर। अब यहाँ पर एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी, अगर कुछ रिमेन होता है तो वो किसको मिल जाएगा, सी को, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब यहाँ पर कहा कि ए शेयर विल बी डिवाइडेड बी एंड सी, ए रिटायर हो रहा है तो ए का जो शेयर है वो किसको मिलेगा, बी को, बी को मिलेगा 2/3 के रेशो में, क्योंकि उसका रेशो तो उसने बता दिया है, लेकिन सी का कोई रेशो नहीं कहा और उसने कहा जो भी अगर कुछ बचेगा तो वो सी को मिल जाएगा, तो इसके लिए हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन द रेशो 2/3, ये तो किसको देने के लिए कहा है, बी को। अब रेशो 1/3 ये कैसा आया, 2/3, टोटल रेशो 3 है, 3 में से 2 इसको दे दिया तो बचा कितना, 1, तो इसीलिए ये हो गया बी का शेयर और ये हो गया हमारे सी का न्यू शेयर। अब यहाँ पर बी को गेन हो रहा है, बी गेन, बी का पुराना रेशो कितना है, 2/3, ये इसका न्यू रेशो हो गया, ऑफ ओल्ड रेशो कितना है ए का, सॉरी बी का, 2/6 किसमें, तो यहाँ पर ये जो बी को गेन हो रहा है ये बी को गेन होगा 2/3, लेकिन किसमें से, 2/6, क्योंकि अलका रिटायर हो रही है, अलका का रेशो है 2/6
और अलका के 2/6 रेशो में से 2/3 कौन लेगी? बी। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 2/9। अगर हम इसको क्रॉस करें तो आंसर आ जाएगा 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 18, 6/18, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 9 जा 18। तो हमारे पास न्यू रेशियो 2/9। ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर बी का जो शेयर है वो न्यू निकल करके हमारे पास आया 1/2। बी का ओल्ड, बी का पहले से जो रेशो था 1/2 प्लस 2/9, ये इसको और मिला है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9+4, एलसीएम वगैरह यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा होगा 13/18। तो इस तरह से यहाँ पे बी का जो गेनिंग रेशो है, न्यू रेशो 13/18। इसी तरह से सी को गेन होगा, सी का, सी को कितना मिल रहा है 1/3, तो 1/3 किसका? ऑफ 2/6, अलका का 2/6 है, तो 1/3 किसका मिल रहा है उसको? 2/6 का। तो यहाँ पर हम इंटू 1/9 इंटू वही 6, ऐसे भी कर सकते हो क्रॉस में जैसे बताया था। तो इस तरह से जो सी का न्यू शेयर आएगा वो हो जाएगा हमारा 1/6, उसका पहले से है, और उसको नया मिलेगा 1/9 इसको 3+2/18, 5/18। तो इस तरह से बच्चे ये सभी क्वेश्चन होंगे। सो आप इन क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। और इनका जो कंसेप्ट है वो हमें सभी क्वेश्चन में एक जैसा लगता है, लेकिन सभी क्वेश्चन में कंसेप्ट एक जैसा नहीं है। बहुत छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वरना सब क्वेश्चन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। तो इसीलिए धीरे धीरे, इसीलिए एक ही वीडियो में एक ही टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं लगभग सभी टीचर। तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू रखो बेटा, और अपना जो भी ये क्वेश्चन है, जो भी ये नोट्स है, इनको प्रॉपर ऐसे ही अपनी नोटबुक में मेंशन करो, अपनी नोटबुक में लिखो, और उसके बाद इनको ध्यान से पढ़ो। और इतनी अपॉर्चुनिटी दी है टीचर ने, इतना सब कुछ कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। तो इसलिए अपनी पढ़ाई पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि अभी हमारे पास देखो बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं जल्दी, तो अब हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो बेटा मेरा सबसे यही कहना है कि सब बच्चे अपनी स्टडी पे ध्यान दें, कंसंट्रेट करें, और इधर उधर अब थोड़ा घूमना फिरना या फिर जो टाइम पास कर रहे हो वो मत करो, और प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। और कोई क्वेश्चन, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में, एज ए क्लास टीचर आप किसी से भी पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट टीचर आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी टीचर से अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं, कोई एडवाइस ले सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को बार बार देखो, उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है कंसेप्ट, तो आप क्वेश्चन पूछो और करो, करने से ही समझ में आएगा, ऐसे नहीं कुछ हो पाएगा। ठीक है बेटा, सो टेक केयर एंड गुड बाय।